उदासीनता एक मनोविकार। उदासीनता को भी एक प्रकार के मनोविकार की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की असफलता के कारण नाना प्रकार के मनोविकार भी हुआ करते हैं। अपने मनोविकारों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ही हमारे अपने बहुत से कार्य असफल हो जाया करते हैं। हम मनोविकारों के गुलाम बन जाते हैं। खिन्नता या उदासीनता हमारा सारा उत्साह मार डालती है। हम निखट्टू बन जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। हम निराशाजनक दशा में रहने लगते हैं। हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सारे कार्यक्रम धरे रह जाते हैं। अपने मनोविकारों के दास बनकर हम अपना सुंदर जीवन नष्ट कर डालते हैं। खिन्नता उदासीनता जैसे मनोविकारों के कारण मनुष्य की निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है। वह सटीक और कर्मठ निर्णय नहीं दे पाता है। उसकी बुद्धि साधारण साधारण बातों से चकरा जाया करती है। अपना मार्ग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और एक भटके राही के समान इधर उधर मारा मारा फिरता है। कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह से अपना मन भरे रखना चाहिए। उदासीनता आपके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रायः उदासीनता के कारण आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। काम में मन नहीं लगता है, मन उचाट हो जाता है। थोड़ा सा काम किया फिर रुक गए, तेजी से काम करने का मन नहीं करता है। इसी कारण आपकी प्रगति का मार्ग रुक जाता है। मानसिक शक्तियां चित्रा जाया करती हैं। एकाग्रचित होकर आप कोई सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपका मन दुविधाओं और नाना प्रकार की शंकाओं से भर जाता है। मन की दशा अस्थिर हो जाती है और आप कुछ भी कर सकने का निर्णय नहीं कर पाते हैं। यही सब तब आपकी विपत्ति, दुख और असफलता का कारण बन जाते हैं। आपका संपूर्ण भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उदासीनता से छुटकारा पाना आपका पहला कर्तव्य है। असफलता सामने आ जाए या आपका कोई काम न बने, मन टूट जाए, तो आप उस समय अपने मन व मस्तिष्क को एकदम स्थिर रखें, स्वयं को शांत रखें। उस समय बौखला जाने या उदासीन होकर निराश बैठ जाने से तो काम नहीं बनेगा। उस समय संयम से काम लें। इस बात को तय कर लें कि जो हो गया है अब उसको बदला नहीं जा सकता है। जब बदला नहीं जा सकता है तो बौखलाने छटपटाने से क्या लाभ। आपकी जेब में से 100 रुपए का नोट था, गिर गया, अब वो मिलने का नहीं। आपके रोने बौखलाने छटपटाने से क्या वो नोट आपकी जेब में आ जाएगा? यह तो असंभव बात है, वो आने से रहा। तब आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है? घर की कोई सुंदर क्रोकरी अगर किसी के हाथ से टूट गई तो क्या आपके चीखने उस व्यक्ति को पीटने से वो जुड़ जाएगी या वापस आ जाएगी? जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर यह सब करने से आपको क्या लाभ है? इसी कारण आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। तो दोस्तों, ये उदासीनता एक मनोविकार यहीं समाप्त होता है।